Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we will study about electric charge and current and their units. So let's start it. First of all, what is electric charge? जैसे हमें पता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो जनरली एटम से बनी होती हैं और एटम्स के अंदर आपको सब एटमिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके फिक्स्ड ऑर्बिट यानी कि शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस पर जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है उसकी वजह से क्या हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनोदर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट चार्ज। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट के कारण, उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यों से डिनोट किया जाता है, और क्यों की वैल्यू होती है Ne, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। And E is the charge on an electron. तो E की वैल्यू होती है 1.627 into 10 to power is minus 19 कूलम। ठीक है, और कूलम को हम जनरली C से लिखते हैं। ठीक है, तो हम जनरल वैल्यू 1.6 into 10 to power is minus 19 लेते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको क्यू से डिनोट किया जाता है, और जो क्यू की वैल्यू है वो होती है एन ई, जहां पर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई है द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें यदि दे रखे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए हैं तो हम उसको जनरली क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि मान लो 10 to power is 10 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं तो चार्ज कितना हो, तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एन ई के इक्वल। एन की वैल्यू है हमारे पास 10 to power is 10 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to power is minus 19, 1.6 आगे आ जाएगा। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, एड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 to the power 10 minus 19 is equal to 1.6 into 10 minus 19 minus 9 कूलम। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो इजीली। आपको ई की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी इसके केस में, ई की वैल्यू होती है 1.6 into 10 to power is minus 19 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज होते हैं उसको हम तीन तरह से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चार्जिंग के तीन मेथड होते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड वन इज
चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, हम फ्रिक्शन की फ्रिक्शन से चार्ज कंडक चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, कंडक्शन से चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, इंडक्शन से चार्ज क्रिएट करते हैं। तो जब हम जनरली फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कंडक्शन में हमें एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाना पड़ता है और इसमें सेम टाइप का चार्ज क्रिएट होता है। जैसे यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव को लेके जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इंडक्शन के अंदर अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो चार्जिंग के ये तीन मेथड है। यदि आप इनके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ये तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन ए पार्टिकुलर टाइम so it is the charge flowing through a conductor in a particular time कि एक पार्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। करंट को आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्यू बाई टी। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल, अभी हमने बात की थी, एन ई के डिवाइड बाई टाइम। यदि हमें चार्ज दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए हैं उससे हम चार्ज निकाल सकते हैं, या सीधा यहां पर एन ई की वैल्यू पुट करेंगे और टाइम दे रखा हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए हैं एक पार्टिकुलर टाइम में, तब भी हम क्या कर सकते हैं, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम एक चार्ज का एक नया फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यू देखो, ये टी यहां पर डिवाइड में है, उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्योंकि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आई मल्टीप्लाई बाई टी, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, जो करंट होता है उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। और एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपने जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे 5A 3A 10A 12A कुछ ऐसा लिखा देखा होता है, तो वो ए का मतलब होता है एम्पियर। ठीक है, यदि मुझे एक एम्पियर की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, I की वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्यू बाई टी। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की कूलाम, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। यदि मुझे एक एम्पियर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा 1 कूलाम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। यानी कि किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफर हो 1 सेकेंड के अंदर तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर से 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, यदि किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो तो वो 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।